Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to discuss Lecture 3 of the Database Management System course. Before starting today's lecture, I will briefly review what we did in the previous lecture. In the previous lecture, we discussed some of the advantages of the database approach, then we discussed different types of database users, and finally, we discussed Different levels of data, and we also discussed the importance of the data for an organization. At the end of the previous lecture, I told you a brief history of the database architecture. Database architecture is going to be our topic today. So, let's start today's lecture. The overview of today's lecture is briefly we are going to discuss two topics today one is database architecture. And second is the data independence. Both of these topics are among the basics of the database approach of this course, so I will suggest you to kindly pay very well attention to these topics. As we discussed in the previous lecture, that there have been different efforts to standardize the database architecture. Iski zarurat kya hai? Iska faida kya hai? जब किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया जाता है उसका फायदा यह होता है कि उसके बाद जब भी कोई आदमी उस चीज़ पर काम करने लगता है तो उसे यह पता होता है कि इस चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा इस पर जब मैं इसको देखूंगा तो इस पर मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मिसाल के तौर पे, जब एक कोई बॉडी जो के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है वो अगर डेटाबेस सिस्टम्स का आर्किटेक्चर डिफाइन कर दे उसका फायदा यह होगा कि उसके बाद बहुत सी मुख्तफ कंपनीज जो हैं वो डाटा बेस टूल्स बनाएंगी यानी कि डी बी एम एस बनाएंगी अब उसके बाद जो भी कंपनी डी बी एम एस बनाएगी वो उस आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखेगी उसका फायदा एक तो उस कंपनी को भी ये होगा कि उनके पास गाइडेंस होंगी कि हमने अगर, अगर अपने प्रोडक्ट को अपने टूल को मार्केट में आम करना है टू गन द पॉपुलरिटी अमंग द यूजर्स वो उसको उस आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाएंगे और जो यूजर्स हैं उनको भी पता होगा कि अगर वो किसी चीज के बारे में उनसे कह दिया जाए कि ये स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पे बनी हुई है तो यूजर्स को पता होगा कि भाई इस आर्किटेक्चर में ये, ये चीजें तो जरूर होंगी उन चीजों का जो इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्त हो सकता है उनकी शक्ल कुछ मुख्तफ हो सकती है लेकिन वो बेसिक जो आर्किटेक्चर है जो उसके मेयरमेंट्स कह लें उसको फॉलो करता होगा और इसकी यही एग्जांपल है आप अगर देखें रियल लाइफ में आप कंप्यूटर्स को देखें आप टेलीविजन को देखें आप कारों को देखें तो सबसे पहले जो भी चीज बनेगी उसका पहले एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिफाइन होगा उसका फायदा यह होगा कि फर्ज करें जो प्रोडक्ट है फर्ज करें कार लें या कंप्यूटर लें वो कोई एक कंपनी बनाती है लेकिन जब हम उसके स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं तो वह हो सकता है कि दस मुख्त कंपनीज बना रही हूं तो अगर वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते होंगे तो यह पक्की बात है कि वो आपने अगर चीज एक कंपनी की ली है लेकिन आप जो स्पेयर पार्ट्स है या जो उसके बाद की चीजें आप लेते हैं वो किसी और कंपनी की भी लेते हैं तो वो उसपे फिट बैठेंगे कि बनाने वाले ने भी स्टैंडर्ड को फॉलो किया था और जो बाद में स्पेयर आपको दे रहा है वो भी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है इसलिए Uh, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी बात के पेश नज़र ये तमाम एफर्ट्स हो रही थी जिसको हमने पिछली दफ़ा हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि डाटा बेस का एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिफाइन किया जाए चुनाचे 1975 में एनसी स्पार्क की जो रिकमेंडेशन थी थ्री लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर वो एक्सेप्ट हुई और वो स्टैंडर्ड जो है वो आज तक एक्सेप्ट किया जा रहा है और आज के इस लेक्चर में हम उसी आर्किटेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर इस बात को एक्सप्लेन करता है डिफाइन करता है कि डाटा बेस को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को किस किस लेवल पर देखते हैं किस किस लेवल पर डिफाइन करते हैं या उससे किस किस लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं जो जो तीन लेवल्स हैं ये हर यूजर का कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने मुख्तु टाइप के यूजर्स पढ़े थे हर यूजर जो है उसका अपने लेवल के डाटा के साथ उसके व्यू के साथ कंसर्न है लेकिन बात यह है कि इसको तीन लेवल्स पर करने के बहुत सारे फायदे फायदे जो हैं वो हम देखेंगे वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग थ्री लेवल आर्किटेक्चर द बेसिक थिंग इज के इट सेपरेट्स द यूजर्स व्यूज फ्रॉम द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन वाई इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई इसकी एक वजह तो यह है कि सेम डाटा को डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं मिसाल के तौर तो पे फर्ज करें कि आपने अगर डेट ऑफ बर्थ किसी स्टूडेंट की या किसी एम्प्लॉय की स्टोर की हुई है उसमें यह होगा कि एक यूजर ग्रुप यूजर ग्रुप कैसे बनता है यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट सेक्शन होते हैं हर जो डिपार्टमेंट और सेक्शन uh, है उसके अपने यूजर्स होते हैं उनको हम यूजर ग्रुप कहते हैं बल्कि एक सेक्शन के अंदर ही डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं किस बेस पे डिपेंडिंग अपॉन द जॉब नेचर एंड ऑथोराइजेशन लेवल के ऊपर इवन एक सेक्शन के अंदर भी डिफरेंट जो है वो यूजर ग्रुप्स बन जाते हैं अब फर्ज करें कि हमने एक एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है एक यूजर ग्रुप जो है वो चाहता है कि मुझे डेट जो है वो इस तरह से मिले कि पहले जो है दो डिजिट्स में दिन हो फिर दो डिजिट्स में महीना और फिर चार डिजिट्स में साल हो एक यूजर ग्रुप जो है उसकी प्रेफरेंस ये है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए मुझे यूं चाहिए कि पहले पूरा महीना लिखा हुआ हो फिर दिन लिखा हुआ हो और फिर साल लिखा हुआ हो एक और यूजर ग्रुप यह चाहता है कि नहीं मुझे पहले साल चाहिए फिर महीना चाहिए फिर दिन चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि डाटा तो एक ही है डेट ऑफ बर्थ लेकिन फर्ज करें अगर हम किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो द लाइब्रेरी सेक्शन वॉन्ट्स टू सी द सेम थिंग इन वन फॉर्मेट द एग्जामिनेशन वॉन्ट्स टू टी वॉन्ट्स टू सी द सेम थिंग इन अनदर फॉर्मेट एंड द सेम इज द केस विद द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वह उसी चीज को किसी और तरह से देखना चाहते हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि वी हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डाटा एक तो वजह यह हो गई दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास एक ही डाटा का डिफरेंट व्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो उसका हल क्या है क्या हमें हर व्यू को अलग अलग स्टोर करना होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर वन अगेन गोइंग टू द सेम बेसिक प्रॉब्लम दैट वी फाउंड इन द फाइल प्रोसेसिंग एनवायरमेंट के यू आर डुप्लीकेटिंग द डाटा एंड दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट वी वॉन्टेड टू अवॉइड एंड दैट इज वाई वी शिफ्ट टूवर्ड द डाटा बेस अप्रोच तो चुनाचे जो आपका थ्री लेवल आर्किटेक्चर है इट गिव्स यू एन एनवाट फैसिलिटी फेसिलिटी जिसकी वजह से यू कैन स्टोर ए कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल दीज डिफरेंट व्यूज सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली आपने उसको एक तरह से स्टोर किया हुआ है लेकिन वेन इट कम्स टू द डिफरेंट यूजर ग्रुप्स यू डू नॉट फोर्स दैम टू सी अ सिंगल व्यू अ सिंगल टाइप ऑफ डेट रदर यू प्रोवाइड दम फैसिलिटी कि ठीक है जिस तरह से आप चाहते हैं जिस फॉर्मेट में आप डेट देखना चाहते हैं आप उसी फॉर्मेट में देखें और ये जो हमने इनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है डाटा बेस के आर्किटेक्चर को वो इस चीज़ को अपने अंदर हाइड कर लेता है और हर यूज़र को यही महसूस होता है कि हम के डाटा उसी तरीके से स्टोर है जिस तरीके से कि मैं देख रहा हूँ लेकिन अंडरलाइन क्या है कि तमाम यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाटा स्टोर है इसके अलावा ये है कि कई दफा आपको डाटा में चेंज करनी पड़ती है डाटा के फॉर्मेट में चेंज करनी पड़ती है इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि जिस फॉर्मेट में हमारे यूजर्स डाटा को देख रहे हैं वो या नीचे की तरफ अगर देखें तो जिस तरह से डाटा इज प्रैक्टिकली स्टोर्ड इन द डाटा बेस यू मे नीड टू टू चेंज बोथ ऑफ दीज थिंग्स क्यों एक वजह तो यह हो सकती है कि यू हैव बीन गिवन ए न्यू यूजर ग्रुप एंड दैट यूजर ग्रुप डिमांड्स द फॉर्मेट ऑफ द सेम डाटा इन येट इन अनदर वे और एन एग्जिस्टिंग यूजर ग्रुप

द वे इट इज बींगजियर टू मेक दीज चेंजेस अगर वो चीजें आपको होती कि जिस तरह से स्टोर है उसी तरह से नजर आ रहा है तो फिर आपको किसी एक की तरफ अगर चेंज करते तो उसका इफेक्ट लाजमी तौर पर दूसरी तरफ ही पड़ता और इससे बाकी एप्लीकेशन डिस्टर्ब होती तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्री लेवल जो आर्किटेक्चर है या थ्री लेवल में जो हम डिवाइड करते हैं उससे हमें ये तमाम मेन्यूपेशन जो है वो करना बहुत आसान हो जाती है आइए चलते हैं अगली साइड की तरफ इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपको थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो है वो दिखाया गया है इसमें जो सबसे नीचे जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है वो आपका डाटा है जिसका मतलब यह है कि यहां पर डाटा प्रैक्टिकली स्टोर्ड है इसके ऊपर जो है वो तीनों लेयर्स जो शो की गई हैं जो कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर में शामिल है इस पे सबसे जो नीचे है वो है इंटरनल स्कीमा इंटरनल स्कीमा उस चीज को हैंडल करता है कि डाटा जो है प्रैक्टिकली किस तरह से स्टोर्ड है इसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द यूजर्स दिस थिंग इज मेनली हैंडल्ड बाय द डीबीएमएस इट हाँ ये जरूर है कि इस डी बी एम एस उसको हैंडल करने के मुख्त तरीके हो सकते हैं और डी बी ए माइंड इट ओनली द डीबीए नॉट द एंड यूजर्स यानी जो आपका नाइव यूजर्स है या चाहे सोफिस्टिकेटेड यूजर है उन दोनों में से कोई भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डी बी ए जो है ही हैज गॉट द अथॉरिटी टू गाइड द डीबीएमएस टू टेल द डीबीएमएस टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन अप्रोच But mainly it is the concern of the DBMS only. When we come to the conceptual schema, this is uh, a schema that presents an overall view of the database. And this is the level that provides a basis for all the different user views that are defined for the end users. Or top most level pe jo schema. Hai, वो उनको दे आर दे आर एक्सप्रेस इन दिस डायग्राम एज डिफरेंट व्यूज क्योंकि हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा को डिफरेंट यूजर ग्रुप जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं और हर यूजर ग्रुप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डाटा वहाँ से एक्सेस कर रहा होता है और उसको सिर्फ उसी डाटा से गर्ज होती है कंसर्न होती है कि जो कि वो एक्सेस कर रहा है या जो उसको चाहिए बाकी डाटा क्या क्या स्टोर है किस फॉर्मेट में स्टोर है इससे किसी भी यूजर ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होना चाहिए अब जो ये तीन लेवल्स हमें यहां पर नजर आ रहे हैं ये इनके दरमियान एक लॉजिकल सी पार्टिशनिंग सेपरेशन है एक बात में रखिएगा कि आप बुक्स के अंदर भी और हमारी इस डिस्कशन के दौरान भी कुछ टेक्नोलॉजीज को खास तौर पे इस थ्री लेवल आर्किटेक्चर के रेफरेंस से इंटरचेंजेबली सुनेंगे यानी मुख्तलिफ मौकों पे Uh, कभी हम कह रहे होंगे एक्सटर्नल व्यू एक्सटर्नल लेवल एक्सटर्नल मॉडल और एक्सटर्नल स्कीमा इसी तरह हम इसी uh, uh, चीज को हम अगर नीचे अप्लाई करें तो वी बिल यूजिंग द टर्म्स लाइक कंसेप्चुअल स्कीमा कंसेप्चुअल व्यू कंसेपचुअल मॉडल कंसेप्चुअल लेवल दे ऑलमोस्ट मीन द सेम थिंग आई मीन मैन से लेवल स्कीमा मॉडल और व्यू दलमोस्ट मीन द सेम थिंग माइनर सा डिफरेंस है वो आपको वक्त के साथ साथ तो खुद अंदाजा हो जाएगा और बाद में जिस वक्त हम एक वर्ड को यूज करेंगे तो आप कॉन्टेक्ट से अंदाजा लगा लेंगे कि यहां हमारी क्या मुराद है लेकिन अदरवाइज इन uh, तमाम टेक्नोलॉजी का सेम मतलब है क्योंकि जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल व्यू तो एक्सटर्नल व्यू वो चीज है कि जिस तरह एक यूजर डाटा को देख रहा है एक्सटर्नल स्कीमा एक्सटर्नल स्कीमा वो चीज है दैट इज हेल्पिंग टू इंप्लीमेंट द एक्सटर्नल व्यू वेयर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल व्यू इज स्टोर्ड जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेवल तो इससे यूजर होता है कि वो लेवल लेवल कि जिस जिस पर के हमारे यूजर्स जो हैं वो डाटा को व्यू कर रहे हैं देख रहे हैं जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉडल इससे हमारा वो स्कीमा या वो व्यू जो कि हमें एक्सटर्नल व्यू बनाने में हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं दे आर यूज इंटरचेंजेबली और यू शुड नॉट बी अबाउट द द द चेंजिंग ऑफ टर्म्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड द आर्किटेक्चर

तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू या स्कीमा टर्म इस्तेमाल की जाती है इसी तरह जब हम डाउन बॉटम लेयर पे आते हैं तो उसके बारे में भी आ, फिजिकल और इंटरनल लेयर की टर्म इस्तेमाल की जाती है हम अपने डिस्कशन में या मैं इस कोर्स की डिस्कशन के दौरान आई विल ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फॉर द मिडल लेयर फॉर द बॉटम लेयर फॉर मोस्ट ऑफ द डिस्कशन यू फील दैट इंटरनल एंड physical level or schema mean the same thing but there is a slight difference between them just to make your concepts clear i will discuss the difference between these two uh, types of schemas here but in general for the general discussion you think you suppose that internal level or schema or physical level schema they mean the same thing this is very important point the architecture or the schemas in the architecture they refer to the permanent structure of the database or the intention of the database what do we mean by that see as i have discussed before there is one thing that we call the structure of the data and the other is data itself or logically पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा और ये डिफाइन कैसे करते हैं जाहिर है कि आप जिस सिस्टम को डिजाइन करने जा रहे हैं डेवलप करने जा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट एक्टर्स हैं एंटिटीज हैं उनको देखेंगे उनका आपस में ताल्लुक देखेंगे उसको मॉडल करेंगे तो यहां से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने डाटा क्या स्टोर करना है और किस फॉर्मेट में स्टोर करना है दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द डाटा बेस And this is something that is relatively permanent. The schema of the database, the intention of the database, it does not change very frequently. So, first you define the intention of the database, and then based on that intention, on that structure, then you feed the data into the database, or we can say we populate the database. And that populated database is called the extension of the database. So now you know one is one thing is intention of the database that is relatively permanent, and other is extension of the database, in which changes are made very frequently. And mind it, this is not an uncontrolled nature of change. No, a change that you make even in the in extension of the database that has to be controlled, obviously you have to prove your authentication your authorization you have to have a solid reason to make a change in the database in the data in the extension of the database but as far as intention of the database is concerned it is very serious because a slight change in the intention of the database may affect the entire database for example let's say you have got an organization's database where let us say there are 10,000 records. And in each record of the employee, let us say we have stored 10 properties of the employees, including name, father name, address, phone number, blah blah, different things. Now, we have got the intention where we defined, where we defined, where we said that we store name of type text, we store age of type number, we store date of birth of type date, and like that. This is the intention. Then, according to this intention, we populated the data and we placed, let's say, ten thousand records in the database. Now, this is a populated database where we got intention as well extension. Now, see the difference between making a change in the extension of the database and the intention of the database. Let's say you want to change the. Experience of an employee. Let us say previously stored his experience was uh, 10 years, but then he, later he himself uh, uh, pointed out that my experience is not 10 years, rather, it is 12 years. So, you, the person who is properly authorized for this purpose, he opens the database and changes the experience from 10 to 12. This is the change in the extension of the database this will affect only one record whether legal or illegal but the thing is it has affected only one record out of let's say 10000 now consider a change in the intention of the database as i said to you before i told you before that we have defi defined 10 attributes for these employees अब अगर आप फर्ज करें ये करते हैं कि आप इसकी इंटेंशन में कुछ चेंज करते हैं इंटेंशन में चेंज की क्या एग्जांपल है फर्ज करें आप एक एट्रीब्यूट uh, एक एट्रीब्यूट है एक प्रॉपर्टी है उसकी लेंथ चेंज कर देते हैं पहले आपने एम्प्लॉइज के जो नाम की लेंथ है फर्ज करें वो रखी हुई थी पच्चीस तक इसका मतलब यह है कि पच्चीस तक जो करेक्टर हैं वो आप स्टोर करते हैं एक बंदे के नाम में किस वक्त आपने महसूस किया कि यह पच्चीस लेंथ बहुत ज्यादा है या ये बहुत कम है मिसाल के तौर पे आपने एक महसूस किया कि दस हज़ार रिकॉर्ड में डाल दिए हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं बल्कि सारे लोग जो हैं उनके नाम जो है बीस करैक्टर में पूरे आ रहे हैं आपने कहा ये पांच करेक्टर जो हैं ये हर रिकॉर्ड में ये पांच जो स्पेसीज़ हैं ये पांच जो जगह हैं आप ये समझ लें वो एक्स्ट्रा खर्च हो रही हर, हर रिकॉर्ड में अगर एक रिकॉर्ड में पाँच स्पेसीज एक्स्ट्रा जा रही हैं अगर आप दस हज़ार रिकॉर्ड को देखें तो पचास हज़ार रही हैं इस बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस जो ये एट्रिब्यूट है इसकी लेंथ कम कर देते हैं इसको बजाय 25 के 20 कर देते हैं फायदा फायदा ये है कि आप 10000 रिकॉर्ड्स पे 50000 जो कैरेक्टर्स uh, की स्पेस है वो सेव कर रहे हैं अब आप डाटा बेस की इंटेंशन में एक चेंज करेंगे एक चेंज करेंगे जिस सिर्फ uh, सिर्फ एक चेंज करेंगे वो क्या करेंगे कि आपने 25 से उसको 20 कर दिया ये जो एक चेंज है वो दस हजार के दस हजार रिकॉर्ड्स पे इंप्लीमेंट हो जाएगी अब तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो नाम जो है उसके बजाय पच्चीस के बीस स्पेसिस जो है वो आ रही हैं। फर्ज करें कि आप अगर आप किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं एक्सटेंशन पे डाटा में इन दैट केस ओनली ए सिंगल रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड फ्रॉम फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द डाटा बेस लेकिन अगर आप डाटा बेस की इंटेंशन से उसके स्ट्रक्चर से एक एट्रीब्यूट डिलीट कर देते हैं फर्स्ट कर आप कहते हैं कि मैं यहां से एज को डिलीट कर देता हूं तो माइंड दस हजार के दस हजार जो रिकॉर्ड होंगे उन सब से एज निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं इससे मैं आपको आ, मेरे इसको बताने का मकसद यह था कि आप ये महसूस करें कि देर इज एन इंटेंशन ऑफ द डाटा एंड देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डाटा और जो इंटेंशन ऑफ द डाटा बेस है दैट इज रिलेटिवली परमानेंट पार्ट ऑफ द डाटा बेस डिस्कसिंग ईच लेवल ऑफ द डाटा आर्किटेक्चर इन डिटेल द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज द एक्सटर्नल लेवल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल व्यू व्यू रिप्रेजेंट्स द वे ईच यूजर ग्रुप व्यूज द डाटा इसमें यह है कि जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि वो जो डिफरेंट यू, यू, यूजर ग्रुप बनते हैं वो दो बेसिस से बनते हैं एक तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेक्शन हैं हर सेक्शन हर डिपार्टमेंट जो है वो एक चूजर ग्रुप बनाता है और दूसरी बात ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द जॉब नेचर अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन द अपॉन द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट यूजर ग्रुप बनते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो लाइब्रेरी एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन ये मुख्तलि डिपार्टमेंट्स हैं यूजर ग्रुप्स हैं और इवन विद इन द लाइब्रेरी अगर आप देखें तो लाइब्रेरियन इट्सल्फ वो एक हायर लेवल की पोजिशन uh, है उसका व्यू कुछ और होगा जो आपका uh, जो आपका जो नॉर्मल आपका जो डेस्क क्लर्क है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जॉब में चाहे कुछ और है उसका अपना व्यू होगा और माइंडड जो व्यूज हैं दे डू नॉट ओनली वेरी

इसी डेटा के ऊपर लाइब्रेरियन क्या-क्या ऑपरेशन कर सकता है और डस्कर क्या-क्या ऑपरेशन कर सकता है मिसाल के तौर पे अगर आपने एक स्टूडेंट को रिकॉर्ड डिलीट करना है فرض करें कि एक स्टूडेंट की जो बुक्स इशूड थी उनमें कोई की कमी करनी है या आपने किसी स्टूडेंट पे को फाइन इंपोज था उसको खत्म करना है तो इसकी जनरली जो परमिशन है इस तरह के चेंजेस की, की परमिशन वो नॉर्मली जो है वो पीपल हु आर एट द मोर रिस्पॉन्सिबल पोजिशन आप उनको अलाउ करते हैं पीपल हुआ आप उनको अलाउ नहीं करते इस तरह की चेंजेस तो हो सकता है इजाजत जो, जो है वो आप डेस्क क्लर्क को तो ना दें लेकिन वो लाइब्रेरी को दे दें इसी अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो हो सकता है किसी बंदे की सैलरी को चेंज करने की जो जो राइट है इवन किसी बंदे की सैलरी देखने का जो राइट है वो आप जो एक लोअर स्केल uh, या लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय है उसको ना दें लेकिन आप ये अकाउंटेंट uh, को दे दें इसी तरह अगर हम बात करते हैं uh, हमारे एम्प्लॉयज रिकॉर्ड की बात करते हैं तो किसी नए एम्प्लॉय को ऐड करना या किसी पुराने एम्प्लॉय को निकाल देना ये भी डिपेंड करता है कि आप ये राइट right किस देते हैं तो यहाँ से या इन बेसिस के ऊपर के क्या डाटा देख सकता है और उस डाटा पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है इस बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंट यूजर्स के जो है वो व्यूज डिफाइन होते हैं ज ए व्यू ऑफ द डाटाबेस लिमिटेड टू द अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द यूजर्स परस्पेक्टिव ऑफ रियलिटी यानी जिस तरह एक पर्टिकुलर यूजर ग्रोप डाटा को देखता है जिस तरह वो देखना चाहता है जिससे उसका कंसर्न है जो यूजर व्यू है वो वो ही उसको पेश करेगा और जैसे मैंने पहले कहा था कि बाकी डाटाबेस में क्या स्टोर है कैसे स्टोर है और कौन कौन इसको और एक्सरसाइज कर रहा है इससे एक यूजर ग्रुप का इन इट कोई ताल्लुक नहीं है यूजर में हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डाटा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी डेट की इसी तरह नेम है आपने आ, नेम जो है स्टोर किया हुआ है आपने ये इस तरह से किया हुआ कि एज अ सिंगल स्ट्रिंग या एक सिंगल नाम के तौर पर स्टोर किया हुआ मिसाल के आपने कहा मलिक मोहम्मद अहमद ये डाटा हो सकता है कि आपने इस तरह से स्टोर किया हो लेकिन हो सकता है कि एक यूजर जो है वो ये कहे कि मुझे आप उसका फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिखाएं एक यूजर कहता है कि मुझे सिर्फ उसका मिडल नेम चाहिए तो इसी तरह से जो सेम डाटा है डिफरेंट यूजर ग्रुप्स जो हैं उसको मुख्य तरीके से देखते हैं तो ये भी आप उसको ये फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं बिकॉज यूजर व्यूज आर रिप्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली इन द थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा ये भी एक बहुत मुफीद और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का कि यूजर जिस तरीके से डाटा को देखना चाहता है देख रहा है जरूरी नहीं है कि आप डाटा को वैसे ही स्टोर करें या वैसे ही स्टोर किया हुआ हो मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एक यूजर है वो चाहता है कि मुझे एम्प्लॉय की एज भी चाहिए अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप एज को एज सच स्टोर करें यानी आप अपना जो डाटा बेस आपने डिफाइन किया है उसमें आप एक एट्रीब्यूट डाल दें एज का और उसमें आप उसकी एज स्टोर कर दें इस अप्रोच का एक प्रॉब्लम यह है कि फर्ज करें कि अन एम्प्लॉय ज्वाइंस लेट से टू ईयर्स बैक एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द एम्प्लॉय एट दैट टाइम वॉज लेट से थर्टी टू ईयर्स थर्टी टू ईयर्स स्टोर इन द एज एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय इफ यू सी दैट एट्रीब्यूट लेट्स आफ्टर थ्री ईयर्स द एज वुड स्टिल बी देयर एज थर्टी टू या तो ये है कि आप उसको चेंज करें बट वेन एंड हाउ वुड यू चेंज डेली बेसिस पे करेंगे रोजाना करेंगे महीने बाद हफ्ते बाद साल बाद जो भी करते हैं बट द थिंग इज के दिस वे यू हैव डिफाइंड एन एडिशनल एक्टिविटी फॉर यू इधर यू आर डूइंग इट योर सेल्फ

दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि फर्ज करें कि एक बंदा एज देखना चाहता है एक यूजर ग्रुप जो है वो अपने व्यू के अंदर दे वांट टू इंक्लूड द एज तो आप ये कर सकते हैं कि व्हेन दैट यूजर ग्रुप एक्सेज इट्स व्यू व्हाट यू डू यू पिक द एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द डाटा एंड यू परफॉर्म माइनर कैलकुलेशन वट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन आज की डेट के मुताबिक आप उसकी कैलकुलेट कर लें एज और वो एज उसको दिखा दें दो फायदे एक फायदा तो ये है कि आपको एज जो है वो स्टोर नहीं करनी पड़ रही कि एक यूजर ग्रुप के लिए आप डेट ऑफ बर्थ स्टोर करें एक के लिए स्टोर करें दूसरा फायदा ये है कि इस तरीके से यू विल ऑलवेज बी गेटिंग द लेटेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट एंड द एक्यूरेट एज तो हो क्या रहा है कि आप बेसिकली डाटा को डिराइव कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द डाटा दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटा बेस सो व्यूज का या एक्सटर्नल व्यूज का या थ्री लेवल आर्किटेक्चर का यह भी एक फायदा है कि आप वहां पे डिराइव्ड या कैलकुलेटेड डाटा भी जो है वो यूजर को शो कर सकते हैं डी बी एम एस यूज एक्सटर्नल व्यूज़ टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर डिफरेंट यूजर विच इज बोथ द फेसिलिटी एंड बैरियर यस कि यूजर ग्रुप जो है वो पहले आप व्यूज डिफाइन करते हैं डी डिफाइन करेगा पहले व्यूज डिफाइन करेगा व्यूज से बात यह है कि इस यूजर ग्रुप के लिए ये ये डाटा शामिल होगा दूसरी बात यह है कि उस व्यू के ऊपर आप एक उसके लिए इंटरफेस डिफाइन करते हैं एक स्क्रीन डिफाइन करते हैं उसमें वो वो एट्रीब्यूट्स जो कि इस व्यू में शामिल हैं उनको आप मुख्त तरीकों से प्लेस करते हैं आइडिया क्या है इसका आइडिया इसका यह है कि जो आपका एंड यूजर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक नाइव यूजर होगा उसको वो व्यू इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम ना हो वो यूजर फ्रेंडली हो उसको समझने में उसको ऑपरेट करने में किसी भी आ, ऐसे यूजर को हु डज नॉट हैव मच बैकग्राउंड इन द कंप्यूटर इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, उसको ज्यादा मुश्किल ना हो उसको देखने में अच्छा लगे तो एक लिहाज से दिस इज ए फैसिलिटी फॉर एंड यूजर के आपने व्यू के बेस पे उसके लिए इंटरफेस डिफाइन कर दिया जिसको बड़ी आसानी से बड़ी खुश दिली से कहले या बड़े एक अच्छे अंदाज से जो कि आंखों को भी और स्टैटिक को भी अच्छा लगे उस तरीके से वो उसको इस्तेमाल करता है लेकिन साथ ही इट एक्ट एज ए बैरियर एज वेल यानी जो ये यूजर है वो सिर्फ यही यही डाटा एक्सेस कर सकता है अगर एक यूजर ग्रुप जो है अगर लाइब्रेरियन फर्ज करें वो एक्सेस कर रहा है यूजर का नाम फादर नेम एड्रेस उसका नंबर ऑफ बुस इशू फाइन कब बुक इशू की थी कब वापस की है कितनी बुक्स इशू की अगर वो ये देख रहा है, लेकिन साथ ही अगर डाटा data, उसी डाटा बेस में स्टोर है कि इसका सी जी पी ए क्या है इसका जी पी ए क्या है इसकी फीस कितनी अदा हो गई है कितनी फीस अदा नहीं की इसने इस पर कितना फाइन हुआ था फीस लेट जमा कराने पर यह सब फैक्ट ऑल दो दे आर देयर इन द डाटा बेस बट बिकॉज़ यूज़र ग्रुप इज़ लिमिटेड ओनली इट्स व्यू इसको बाकी से जो एक्सेस करने से ये रोक रहा है तो इसका मतलब ये है है कि जो आपका एक्सटर्नल व्यू वो एक बैरियर का काम भी कर रहा है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते ना सिर्फ ये कि इससे आगे नहीं जा सकते बल्कि आप वही ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि जब मैं इंटरफेस की बात करता हूं जो कि एप्लीकेशन ने डिफाइन किया हुआ एक के लिए इंटरफेस उसमें एक यूजर ग्रुप से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन थे उनकी फैसिलिटी भी वहां मौजूद थी अब जब उसने कोई भी एक यूजर ग्रुप ने ऑपरेशन करना है तो वो उसी इंटरफेस में दिए गए ऑप्शंस लेगा मुख्तलफ ऑपरेशन करने के लिए मिसाल के तौर पे, अगर आप कहते हैं कि आपने जो हमारा लाइब्रेरियन का एक जो व्यू है उसमें उनको आपने अलाउ किया हुआ है कि अब वो एक बुक एड कर सकते हैं वो बुक कैसे ऐड करेगा वो बुक कैसे ऐड करेगा कि जो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने इंटरफेस बनाया हुआ है उसमें एक ऑप्शन होगी जिसमें होगा कि अगर आपने बुक ऑप्शन बुक ऐड करनी है तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करें वो सिंपली उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और वो ऑप्शन फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको जो है वो गाइड करेगी कि आपने अगर बुक ऐड करनी है तो उसमें आप ये ये स्टेजेस लें बल्कि इससे बढ़ के वो उसको असिस्ट करती है ख तरीकों से मिसाल के तौर पर अगर कोई आ, कोई चीजें फिक्स मतलब है उसका डाटा एंट्री मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं कि टॉपिक्स की बात करें हम कहते हैं कि एक किताब का टॉपिक क्या ही है अपने नई किताब एंटर करते हुए यू हैव टू एंटर दिस थिंग एज वेल कि व्हाट इज द टॉपिक और कैटेगरी ऑफ द बुक तो बजाय इसके कि आप यूजर्स से यह कहें कि भाई तुम तमाम कैटेगरीज याद करो या अपने साथ एक आ, पेपर की लिस्ट रखो पेपर पे एक लिस्ट रखो और उस उसपे से आप देखें कि देखेंगे क्या क्या वहां से टाइप करें नहीं वो क्या होगा कि जो जो प्रोग्रामर ने उसके लिए इंटरफेस बनाया हुआ है उसमें पहले से एक लिस्ट दी हुई होगी कि ये ये कैटेगरीज पॉसिबल है और वो यूजर का, का काम सिर्फ इतना होगा कि वो उन कैटेगरीज में से जो अप्रोप्रेट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर ले तो ओवरऑल इसको अगर हम सम करें तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एक यूजर व्यू आपके लिए क्रिएट किया गया हुआ है वो एक तरफ तो आपके लिए फैसिलिटी है बिकॉज इट क्रिएट्स कन्वीनियंस फॉर यू एज एन एंड यूजर और दूसरी तरफ ये है कि वो आपको लिमिट भी करता है कि दिस इज योर बाउंड्री दिस इज वट यू कैन सी एंड दिस इज वट यू कैन डू और व्हाट यूर यूर सींग यूजर्स एक्सटर्नल व्यू इज क्रिएटेड आफ्टर कंसिडरिंग डाटा एक्सेस रिपोर्ट्स एंड द ट्रांजेक्शन नीड्स यानी एक यूजर की या यूजर ग्रुप की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डाटा के बारे में उन सब को मद्देनजर रखते हुए व्यू क्रिएट किया जाता है और खास तौर पे फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है जो बनाया जाता है उसमें उस यूजर ग्रुप की तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा किया जाता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि एक स्टूडेंट आता है बुक इशू करवाने के लिए वो बुक इशू करना वापस करना इसकी फैसिलिटी के लिए डाटा जो है वो उस व्यू में डिफाइन हुआ होगा और उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा हुआ होगा इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहें कि एक जो हम एक जो, जो लाइब्रेरियन है उसको एक रिपोर्ट चाहिए कि फ्लां स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक इशू कराई हुई हैं उसको ये स्क्रीन पर भी देखना है और प्रिंटर पर भी भेजना है तो जो आपका व्यू है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिफ़ाइन हुआ होगा कि यूज़र की ये रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके मुताबिक व्यू डिफ़ाइन हुआ होगा और एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने भी उसी व्यू को इस्तेमाल करते हुए वो उसने प्रोग्राम भी लिखा हुआ होगा इसका मतलब यह है कि एक जो आपका एक्सटर्नल व्यू है वो एक यूजर ग्रुप की हर तरह के जो डाटा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए बनाया जाता है और फिर बाद में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करता है जो कि आपका एंड यूजर इस्तेमाल करता है एक्सटर्नल स्कीमा एवॉर्ड एज यूजर नीड्स आर मॉडिफाइड ओवर टाइम यह जरूरी नहीं है कि जब आपने एक दफा एक्सटर्नल व्यू डिफाइन कर लिया तो दैट इज फिक्स फॉर एवर नहीं क्योंकि आप इनिशियली जब व्यूज डिफाइन करते हैं कब डिफाइन करते हैं जिस वक्त द डिजाइनर और द डीबीए इज इन द डिवेलमेंट प्रोसेस और द डिजाइन प्रोसेस ऑफ द डाटा बेस एट दैट टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम द डिजाइनर और द डीबीए इट इंटरव्यूज डिफरेंट यूजर ग्रुप्स एंड कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स

उससे उन्हें स्टूडेंट के बारे में उसके एटीट्यूड के बारे में अंदाजा लगाने में आसानी होती है तो वो डीबीए से या डिजाइनर से यह कहेंगे कि हमारे व्यू में जो है वो ये चीज ऐड कर दें उससे क्या होगा कि उससे एक नया जो एट्रीब्यूट है वो ऐड किया जा सकता है ऐड हो जाएगा स्टिल अगर बाद में कोई और रिक्वायरमेंट भी आ जाती है तो वो भी उस व्यू में ऐड की जाती है इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्सटर्नल व्यू डिफाइन कर लिया हुआ है दैट इज नॉट फिक्स फॉर एवर राधर इट कैन चेंज एज

अगर आप देखें सलीमा का व्यू उसमें यह है कि आपके पास जो हैडिंग है वो है एम्प्लॉय डाटा और उसमें है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक टिपिकल फॉर्मेट में है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्वेल्थ सितंबर 1970 इसी तरह अगर आप सलीम का देखें उसका व्यू उसमें उन्होंने बजाय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ब्रेक करने के उन्होंने ये यह कहा हुआ है कि जो फर्स्ट नेम है उसका इनिशियल दे दें दे मुझे और साथ में जो मेन नेम है इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो सलीम को नजर आ रहा है आर डॉट असलम और आ, सलीम देख रहे हैं एज और एक वो खास फॉर्मेट में है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्वेंटी फाइव ईयर्स और टेन डेज और तीसरा चीज तीस जो सलीम देख रहे हैं वो है डिपार्टमेंट और जिसमें लिखा हुआ सेल्स ये इन दोनों यूजर्स के अपने अपने व्यूज हैं अब इनकी जो डेटाबेस की दुनिया है वो यहीं तक महदूद है अब सलीम को इससे गरज नहीं है कि सलीमा जो है वो आर डॉट असलम को राना और असलम में ब्रेक कर रही है या उन्हें इससे गरज नहीं है कि अगर वो एज देख रहे हैं ट्वेंटी फाइव ईयर्स और टेन डेज के फॉर्म यानी कि ईयर्स और डेट के डेज की फॉर्मेट में तो जो सलीमा है वो डेट ऑफ बर्थ देख रही हैं तो इस तरह से दोनों जो यूजर्स हैं उनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर व्यू के साथ है और अगर आप देखें तो इसमें से जो ऊपर है आपकी ये एक्सटर्नल लेयर है जिस पर के दोनों यूजर अपना अपना व्यू कर रहे हैं और यहां पे जो आपको ये ब्लॉक नजर आ रहा है ये बेसिकली एक समझ लें आपके वॉल है एक लेयर है एक डिफरेंस है बिटवीन द एक्सटर्नल लेयर एंड द लेयर्स बिलो दैट मींस दोनों लेयर्स कंसेप्चुअल लेयर भी और इंटरनल लेयर भी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू थ्री लेवल आर्किटेक्चर के रेफरेंस से बोथ मीन द सेम थिंग बट वी विल यूज द कंसेप्चुअल व्यू इट इज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डाटाबेस यानी ये एक्सटर्नल व्यूज के बरक्स ये पूरे डेटाबेस को डिस्क्राइब करेगा और एक लिहाज से ये बेस है तमाम एक्सटर्नल व्यूज की यानी तमाम जो हमारे एक्सटर्नल व्यूज हैं वो आपके कंसेप्चुअल व्यू से आगे निकलते हैं दिस रिप्रेजेंट द एंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाउ द डी बी एस इज द डाटा बेस ये जो है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा बेस के स्ट्रक्चर को शो करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली एक्सेसिबल एंड इट इज अंडरस्टेंडेबल ओनली बाय द डी बी ए क्योंकि डी बी ए जो है एक तो वो प्रॉपरली क्वालिफाइड और टेक्निकली स्किलफुल है और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये इसकी जॉब नेचर में शामिल है ही इज प्रॉपर् अथोराइज टू हैव दू ऑफ द ऑल द डाटा ऑफ द कंपनी द कंसेप्चुअल व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिटी व्यू ऑफ द डाटा मीन्स ओवरऑल व्यू ऑफ द डाटा कंसेप्चुअल स्कीमा है उसमें तमाम एंटिटीज तमाम एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं क्योंकि आपका डेटा बेस डिजाइन होता ही यही है कि आपने किसी भी सिस्टम जिसको कि आप डेवलप कर रहे हैं डेवलप डिजाइन uh, कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज uh, काम कर रही हैं इन्वॉल्व हैं उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो और जो उनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करना होता है उन्हीं को मॉडल करना होता है जब उसको मॉडल करते हैं अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली आके वो स्टोर होते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा में तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम एनिटीज तमाम एट्रीब्यूट्स और जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो आप शो करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर इट कंटेन्स रिकॉर्ड टाइप्स रिप्रेजेंटेटिव एनिटीज डाटा आइटम टाइप्स विद एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप एंड कॉन्स्ट्रेंस ऑन डाटा ये जो ऊपर की चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड टाइप वगैरह ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि एन और उनके रिलेशनशिप और उनके कंट्रीब्यूट यहाँ पर एक नई चीज़ जो स्लाइड पे आपको नजर आ रही है वो है कॉन्सटेंट्स ऑन डाटा डाटा की इंटैग्रिटी को बरकरार रखने के लिए डाटा की इंटैग्रिटी को मेनटेन करने के लिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि यू इम्पोज डिफरेंट चेक्स ऑन द डाटा एंड डाटा विल बी वैलिड डाटा विल बी करेक्ट ओनली इफ इट इज फॉलोइंग दोज कॉन्स्टेंट्स मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारा अगर एक, एक एम्प्लॉय को हमने मैनेजर डिक्लेयर करना है तो कंपनी का एक रूल ये है कि जो मैनेजर है उसकी जो उम्र है वो कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कम से कम 15 साल होना चाहिए अब ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट होगी ये स्टोर होगी स्कीमा के अंदर और ये रिप्रेजेंट होगी एज ए कंस्ट्रेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा आइटम या एट्रीब्यूट और फिर डी बी एम एस विल मेक इट श्योर कि वट एवर डाटा यू पुट इन दिज एट्रीब्यूट दे फुलफिल दिज कॉन्सटेंट्स तो एक लिहाज से वो जो आपके पास इंप्लीमेंटेशन है आपके सिस्टम की द डी बी एम एस प्रोवाइड्स यू द फेसिलिटी इट प्रोवाइड यू द कन्वीनियंस टू इम्पोज दोस्टेंट्स दो एंड दो चैक्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द

के फाइव लिखा हुआ है तो फाइव से क्या मुराद है फाइव तो कुछ भी हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर फाइव जो है वो किसी की उम्र भी हो सकती है वो आ, किसी का कद भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो डाटा का मतलब क्या है ये चीज जो है ये स्टोर होती है स्कीमा के अंदर इसी तरह जो हम बात करते हैं सिक्योरिटी की सिक्योरिटी विद रेफरेंस टू डाटा एक्सेस के कौन कौन यूजर जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकता है एक्सेस करने के बाद क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है ये तमाम इंफॉर्मेशन भी जो है ये आपके कंसेप्ट स्कीमा के अंदर स्टोर है और माइंड इट जो चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं इनके अलावा और भी बहुत कुछ जो है कंसेप्टल स्कीमा में शामिल होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन इस वक्त जो हमारे कंसर्न की चीज़ें हैं वो सिर्फ यही हैं जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं द कंसेप्ट स्कीमा इज रेलिटिवली कॉन्स्टेंट डिजाइंड विद द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ये पहले बात की थी कि एज फार एज एक्सटर्नल व्यूज आर देर आर दैट दे चेंज ओवर टाइम दे ओवर टाइम बट कन्सेपचुअल स्कीमा इज रेलेटिवली कॉन्सटेंट देर आर फ्यू चैंसेज दैट यू मेक चेंजेस इन दीमा उसकी वजह एक तो यही है Ke when you decide, when you design the conceptual schema, this is basically the schema that is working for the entire organization. That serves the needs of the entire organization. And when you define the when you define the conceptual schema, you do not only concentrate, you do not only consider the current situation, the current requirement of the organization, but also future needs of the organization. For example, next 5 to 10 years, the growth house, your requirements, hai, unko bhi और इस सिलसिले में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है वाई टू तो के बग की आपको याद होगा कि सन 2000 के आने से पहले बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन थी कि जिनमें ये प्रॉब्लम राइज हुआ था कि वो 2000 के बाद वैलिड नहीं रहेंगी ये वो एक एरर है ये एक प्रॉब्लम है कि जो कि अगर किसी डिजाइनर ने अपने कंसेप्शन स्कीमा में उसको मद्देनजर नहीं रखा हुआ फ़र्ज़ करें कि कोई डिज़ाइनर है कोई डेवलपर है उसने लेट्स से 1990 में एक सिस्टम डेवलप किया और उस वक्त उसने इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा कि 2000 में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो कि डिफरेंट हो सकेगी उस सिचुएशन से जो कि इस वक्त है तो जिन डिज़ाइनर्स ने अपने उस फ्यूचर प्रॉब्लम को फ्यूचर जो एक सिचुएशन थी उसको मद्देनजर रखा था उनके जो डिज़ाइन थे वो देवर सक्सेसफुल इवन आफ्टर टू थाउजेंड लेकिन जिन लोगों के डिज़ाइन में ये कैपेसिटी नहीं थी उनके डिज़ाइन्स में उनको चेंज करना पड़ी और मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि कंसेप्चुअल की चेंज करना मीन्स अ लॉट क्योंकि उसकी एक चेंज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है इस कॉस्ट का इस इफेक्ट का मतलब क्या है इसको हम जब डाटा इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे लेकिन बहरहाल इस वक्त आपके डिस्कस करने के लिए समझने के लिए काफ़ी है कि कंसेप्टर स्कीमा जो है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती इसलिए एज ए डिजाइनर दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एज वेल के जब आप डिज़ाइन करें कंसेप्टर स्कीमा तो उनकी सिर्फ करंट रिक्वायरमेंट्स को ना देखें बल्कि उनकी फ्यूचर नीड्स को भी देखें इसलिए कि जब एक दफा डेटाबेस डेवलप हो गया डिप्लॉय हो गया पॉपुलेट हो गया उस वक्त कॉन्सेप्चुअल स्कीम में कोई चेंज करना इट कुड बी वेरी वेरी क्रुशल वेरी वेरी डिफिकल्ट हैविंग डिस्कस दिज पॉइंट्स अबाउट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लेट्स नो समराइज वट द फंक्शनैलिटी द रोल ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल स्कीमा दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वंस अगेन वी मीट आवर सलीम एंड सलीमा एंड देयर रिस्पेक्टिव व्यूज Now, here we see the external layer and the conceptual layer. The data is being uh, fetched from the conceptual layer to the external layer and then shown to the users. Now, if you see below the conceptual layer or at the conceptual layer, this is how the data is being represented or being seen, or you can say this is the practical view of the DBA. This is how the database is actually being represented in the database. Here you see that we have stored name, date of birth, depths means dependents, and depth ID means department ID. So, if you see the Slimah is saying Rana Aslam as two different values first name and last, last name, but practically we have stored Rana Aslam jointly. So, the uh, DBMS is picking, is reading the data from the database as Rana Aslam, but as per the requirement of the user, the application program breaks it, it breaks it into two and presents it as Rana and Aslam. Same happens with the Selim, Salim's view, that it picks the Rana Aslam from the database and shows as R dot Aslam to Salim. Then you see the date. In the database we have stored date of birth in uh, this format that we have stored uh, first the day, then month and then year. But as per the requirement of the Slima, what we did, we picked 120970 from the database and when we showed it to the Sleema, we presented it as 12 September, 1970. And when you see towards the Sleem's view, we have shown there the age and practically age is not stored in the conceptual schema or in the database at all it is being derived it is being calculated from the date of birth another thing you see the department attribute the department uh, in the view of the slim if you see practically in the conceptual layer in the record we have st stored department id and you will not find the department name in the record of rana aslam rather there is the id of the department so basically it happens in the application program or through the external layer that we get the department id from this uh, record of rana aslam and then we access the department file and from there we pick the department name and show it to the show it in the As SLIMS view so this is how we uh, we relate different things at the conceptual view to the things at the external view dear students in today's lecture we discussed uh, the database architecture the three level database architecture and we discussed in detail the top two layers of this architecture in the next lecture we will study the third or the bottom layer of the database architecture, and then we will relate all these three layers together. And following this uh, three level architecture, we will also study a very great benefit of this three level architecture that is data independence. I hope you have enjoyed, enjoyed today's lecture. Thank you very much, and Allah Hafiz.